हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अपने घर में आई हूँ मायके में, और यहाँ पर जो मेरे घर पे केक बनाया जाता है उसकी रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ, जो एक गैस ओवन में बनाया जाता है, ना कि एक माइक्रोवेव पे या किसी और चीज़ से, कुकर में, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रॉपरली ओवन है जो कि गैस पे रखा जाता है और बनाया जाता है केक। तो यहाँ पर हमने 4 एग्स ऐड करे हैं, और जिसमें हमने 1.5 कप शुगर ऐड करी है, और इसको हम स्मूथली ग्राइंड कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं ब्लेंडर में। और पहले मेरी मॉम बनाया करती थी, और आजकल मेरे डैड भी बनाते हैं इस केक को काफ़ी टाइम से, और ये एक ट्रेडिशन हो गया है। क्रिसमस पे हर बार इस तरीके से केक बनाया जाता है, हम लोग छोटे थे तब से। और यहाँ पर ऐड कर दिया है 1/2 कप घी, नॉट यूजिंग बटर बट घी ऐड कर लिया है, और 1/2 कप ऑयल भी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। तो ये थोड़ा ओल्ड पैटर्न, पुराना इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी सालों से इसी तरीके से बनाया जाता है मेरे घर पे, और बहुत ही टेस्टी और सबको बहुत पसंद आता है। तो इस रेसिपी को मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूट्यूब पर शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर 2 कप मैदे को सीव कर लिया है, और फिर 1/2 पोर्शन में ऐड करके स्मूथली बीट करेंगे। और पापा इसी तरीके से यूज़ करते हैं इस ब्लेंडर को। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी शेयर करूं इस रेसिपी को, और आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है आप ज़रूर इसको ट्राई करें। आपके पास ओवन नहीं है, आप इसको प्रेशर कुकर में भी ट्राई कर सकते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। और ये सौंफ ऐड कर दिया है, थोड़े से खजूर ऐड कर दिए हैं, और फिर से इसको ग्राइंड करेंगे। वैनिला एसेंस ऐड कर दिया है, बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बनता है। और ऐसे केक हमारे घर में क्रिसमस के टाइम तो बहुत सारे केक्स बन जाते हैं। पहले तो 8 से 10 केक बना करते थे, और डेली 3-4 केक इस तरीके से बनाए जाते थे, और अभी भी बन ही रहा है। तो मैंने इसलिए इसको ऐड अपने चैनल पे शेयर किया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 लेमन जूस, और इस रेसिपी को शेयर करने का मकसद ये था क्योंकि मैं भी इस तरीके से नहीं बनाती हूँ प्रॉपरली सारे इंग्रेडिएंट्स, सभी लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। 1/2 कप मिल्क भी यूज़ कर दिया है, और इसमें पिंक कलर भी ऐड कर दिया है। बचपन से हमारे घर में अलग अलग कलर के केक प्रेफर करते हैं तो बनाते थे। ये गैस पे बनाने के लिए इस तरीके से रेत रखी जाती है स्टैंड पे, और उसके ऊपर ये ओवन रखा जाएगा। तो इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और इसको प्रीहीट नहीं करते हैं क्योंकि प्रीहीट तो हमारा रेत जो हमने रखी है स्टैंड पे वो हीट हो रही है, 10 मिनट्स तक हीट हो जाएगी, तब फिर हम इट्स ओवन को रख देंगे उसके ऊपर। और ये 1/2 हमारा ओवन फिल हुआ है, और ये आप देखेंगे ये बन के पूरा अप तक फिल्ड हो जाएगा। तो बस फटाफट से हमारा ये केक रेडी होने वाला है। 40 मिनट्स तो लगेंगे इसको, अराउंड 40 to 45 मिनट्स। और ये पूरा डेकोरेट कर दिया है हमने, और हम 15-20 मिनट्स बाद एक बार ओपन करके देखेंगे, 20-20 मिनट्स में ओपन करके देखेंगे। और ये हमारा रेडी है कुक होने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है मेरे डैड की, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें। आफ्टर 20 मिनट्स हमने ओपन करके देखा है, और आफ्टर 45 मिनट्स इट्स रेडी। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे थम्स अप दें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।